बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है, जो क्लिप है, इसे देखकर ना सिर्फ मुझे बल्कि पाकिस्तान के हर उस शहरी को तकलीफ़ होगी जो दिल रखता है, जिसके पास फीलिंग्स हैं, जो साहिब औलाद है, और हर उस औलाद को तकलीफ़ हो रही होगी कि हम जब कोई गलत काम करते हैं या हमसे कोई कुछ गलत काम करवा रहा होता है, हम पुतले बने होते हैं, हमें कोई रिमोट कंट्रोल से जो है ऑपरेट कर रहा होता है, तो किस तरह से हमारे वालिदैन छुप छुप के रोते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, अजियत में होते हैं, लेकिन कभी किसी को दिखा नहीं सकते। हैप्पी फादर्स डे मेहदी अली काज़मी साहब, पाकिस्तान के उन तमाम बच्चों की तरफ से जो जब से ये केस शुरू हुआ है ना सिर्फ आपको फॉलो कर रहे हैं बल्कि आपको एक फादर फिगर के तौर पर जानना शुरू हो गए हैं। अब ये मामला सिर्फ दुआ हज़ारा का नहीं, हर उस बच्चे का है जो इस वक्त आपके केस को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपका केस इस वजह से कहूँगी कि आप इस केस को लड़ रहे हैं और आपने इस केस में यकीन माने आपने एक ऐसा रोल प्ले किया है जो हर बाप के लिए मुश्किल है। हर बाप नहीं कर सकता, कोई भी बाप हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो। देखिए, आखिर में हम हैं तो इंसान, हम जितने मर्ज़ी मजबूत बनने की कोशिश करें, जब हम हर रात को सोने से पहले ये सोचते होंगे कि ये सब कुछ पहले ऐसा नहीं था, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो चुका है, अब चीज़ें कैसे सही होंगी, तो डेफ़िनेटली हर इंसान अल्लाह से हम कलाम होता है, अल्लाह ताला हर इंसान को सब्र तो देता ही है, लेकिन होता तो इंसान ही है। इस वीडियो को देखकर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं टूट गई हूँ, ना मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप टूटें, क्योंकि ये छोटा सा क्लिप देखें, अभी ये हमारे पास तो अब आया है। पता नहीं कितनी रातों से मेहदी अली काज़मी साहब रोते रहे होंगे, पता नहीं कितनी रातों से वो दुआएं करते रहे होंगे कि उनकी बच्ची उनके पास वापस आ जाए और सारा कुछ पहले जैसा हो जाए। आप लोगों के मुझे ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और उस मैसेजेस में आप लोग डिसहार्ट हुए होते हैं, आप लोग मुझे बताते हैं कि हम सारी रात रोते रहे, हम परेशान रहे, तो सोचे जो वालिदैन का हाल होगा। वालिदैन का हाल हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन के साथ ये सब कुछ ना कहे। मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत बुरी चीज़, अल्लाह ताला अपने हर बेहतरीन इंसान को लेकर और देकर आजमाता है, आजमाइश है, और अल्लाह ताला इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए मेहदी अली काज़मी साहब को, आमीन सुमामीन। हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, लेकिन बात यह है कि इंसान कभी कभी टूटता है, लेकिन ये टूटना ऐसा नहीं है कि वो कहें कि जी आई रेस्ट माई केस, मैंने हाथ खड़े कर लिया, मैं लड़ूंगा नहीं। मैं कहती हूँ जब आप इस तरह से टूटते हैं तो आप मज़ीद मजबूत होकर सामने आते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। और इस वीडियो ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, इस क्लिप ने, छोटे से क्लिप ने बहुत बातें बताई हैं। मैं कहती हूँ कि दुआ ज़हरा के हवाले से कहा जाता है, ख़ुद तो वो कुछ भी नहीं कहती, ख़ुद तो वो बेचारी आकर आएँ बाएँ शाएँ करती है, उसके पास तो इतने अल्फाज नहीं होते कि वो कुछ बता सके। जो सवाल किए जाते हैं उसी में से वो बेचारी को आधे जवाब दिए जाते हैं। आप बिल्कुल जी आएँ, मैं कहती हूँ, आप कहती हैं कि वो अपना YouTube चैनल बना रही हैं, बिल्कुल सबको बनाना चाहिए, उनको बनाना चाहिए और बताना चाहिए अपने वालिदैन को कि उनके वालिदैन कितने बड़े जालिम थे, उनके वालिदैन कितने बुरे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से अपील करती हूँ मैडम से कि वो ये वीडियो देखें, क्योंकि दुआ ज़हरा साहिबा तो सारी वीडियोस देखती हैं, बकौल उनके जितने भी लोग हैं जो उनके वेल विशेज़ हैं उनके मुताबिक। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इस क्लिप को देखकर आप ज़रूर हंसें, उस बाप की बेबसी पे हंसें, उस बाप की तकलीफ़ पे हंसें, उस बाप के आंसुओं पे हंसें। हर उस शख्स का हंसना बनता है जिसको लगता है कि वालिदैन जो हैं वो बच्चे पैदा करके उनको फेंक देने चाहिए, वो भूल जाते हैं बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, उनको पालना बहुत आसान है, 14 साल तक उनको बड़ा करना जो है बहुत आसान है। मैं कहती हूँ हर उस इंसान को हंसना चाहिए जो किसी का दर्द नहीं समझता, जिसके पास इंसानियत नहीं है। इस वीडियो क्लिप को देखें और बेतहाशा हंसें। तो हज़ारा साहिबा, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपको भी अपने बाप की इस हालत पर बड़ा हंसना चाहिए, क्योंकि आप जो ये करती हैं या आपसे जो ये कहलवाया जाता है, करवाया जाता है, इसके मुताबिक तो आप फतह या पहले ही हो चुकी हैं। तो आप हंसें कि आपका बाप आपके लिए तड़प रहा है, आपको हंसना चाहिए कि आपका बाप जो है, आपने अपने बाप को जिंदा लाश बना दिया है, एक जिंदा मेहदी अली काज़मी जो आज से 2 महीने पहले तक अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे अंदाज में जी रहा था अपनी बेटी को हासिल करने के लिए, अपनी बेटी के हसूल के लिए, आज वो टूट चुका है, वो रो रहा है। तो ये बिल्कुल बनता है आपकी जानिब से। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर एक दुआ ज़ारा जो है इस तरह से करके अपने माँ बाप की तजलील करवाना चाहती है,
जो मेरे मुताबिक दुआ ज़ारा के अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि जब तक दुआ ज़ारा खुद आके नहीं बोलेगी कि मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं, मेरा बाप मुझे सुबह शाम मारता था, मेरा मामू मुझे मारता था, मेरी जो माँ है वो ड्रामेबाज है, मेरी माँ ड्रामे करती है, तो यकीन करें अब तो ऐसा लगता है कि दुआ ज़ारा खुद भी आकर ये बात बोलेगी ना तो पाकिस्तान की आवाम इस बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो बच्चे भी जिसमें शामिल है, बूढ़े भी शामिल है, वालिदैन भी शामिल है, वो इस वालिद का, इस वालदा का दर्द देख सकती है। रो मेहदी अली काजमी रहा है, लेकिन तकलीफ़ हर उस इंसान को हो रही है जो साहिब औलाद है। फरियाद मेहदी अली काजमी की बीवी कर रही थी, दुआ की वालिदा कर रही थी, लेकिन पूरा पाकिस्तान दुआ की माँ के साथ खड़ा हुआ था कि किस तरह से उसको धक्के मारे जा रहे हैं। एक माँ तड़प रही है, रो रही है, अपनी बच्ची के लिए बेहोश हो रही है। मैं किसी को बद्दुआएं देने पर कायल नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि कभी कोई इंसान किसी को बद्दुआएं दे, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो किसी के वालिदैन की इस हालत पे हंसते हैं, या अगर उनकी बेटी भी अपने माँ बाप की इस हालत पे हंसती है, तो एक बार मकाफात अमल है, जब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके बच्चे ये सब कुछ करेंगे, आपको रोना तड़पना पड़ेगा, तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि वालिदैन की तकलीफ़ क्या होती है। आज इस बाप की इस वीडियो पर दुआ ज़ारा साहिबा आप हंसें, आपका हंसना बनता है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े दुश्मन को जो है वो गिरा दिया है, आपने एक दुश्मन को जो है वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है, ऐसा इंसानियत का दुश्मन है मेहदी अली काजमी, जिसने बहुत बुरा किया आपके साथ और वो यही डिज़र्व करता है, और आपकी माँ बहुत बड़ी दुश्मन है इंसानियत की, वो ये डिज़र्व करती है कि आप जो हैं उसको रुलाएं, आप उसको तकलीफ़ दें, वो रोज़ रात को रोए और आप जो हैं विक्ट्री के निशान आपसे बनवाए जाएं, आप हंसें और आप कहें कि जी मैंने पाकिस्तान का, मैंने दुनिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन जो है उसको मैंने नीस्तो नाबूद कर दिया, मैंने उसको घुटनों पे आने पे मजबूर कर दिया। कोई भी इंसान, मैं आपको बताती चलूँ कि इतना कमज़ोर नहीं होता, कोई भी इंसान इतना टूटा हुआ नहीं होता। अगर आज ये वालिदैन अपने बच्चे के लिए टूट चुके हैं, बच्चे के लिए रो रहे हैं, बच्चों के लिए, अपनी एक बेटी के लिए आहो बका कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्ची को बाजियाब कराने के लिए पूरा पाकिस्तान जो है दर बदर की ठोकरें खाते रहे, किस किस की मिन्नतें तरले नहीं किए, कितने करोड़ों नहीं लगाए, कितने पैसे लग चुके हैं, किस किस की बातें नहीं सुनी, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसा बाप हर एक लड़की को दे। पता नहीं, मैं नहीं जानती कि मेहदी अली काजमी साहब ने क्या खोया है इस केस के बाद, क्या पाया है, या दुआ ने क्या पा लिया। मैं एक बात जानती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने एक ऐसा इंसान पाया है जिसके लिए मैं इस बात पर बहुत फ़ख्र करती हूँ कि हमारी दुनिया में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में मेहदी अली काजमी जैसा इंसान मौजूद है जिसको लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं। क्योंकि जिस मुल्क में मैं रहती हूँ, जिस माशरे का मैं हिस्सा हूँ, वहाँ पर क्या होता है, अगर किसी की बेटी बेचारी, किसी बच्ची को अगवा कर लिया जाता है या खुद भाग के चली जाती है, तो वालिदैन तो अगवाशुदा बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, माशरे में लोग उनकी तजलील करेंगे, पूरा माशरा उनका साथ छोड़ देगा, उनको सर झुका के जो है चलना पड़ेगा, उनका ख़ानदान उनका साथ छोड़ देगा। लेकिन ये कौन सा अजीब इंसान है, क्या ये इंसान है? मैंने तो इस दुनिया में कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ है, बाकी बेटियों के लिए भी आवाज़ उठा रहा है। उसने कहीं पर भी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं की, क्या लोगों ने उसको लानतान नहीं की, क्या लोग उसकी बेबसी पे हंसे नहीं, क्या लोगों ने ये बात नहीं की कि उसकी बेटी भाग गई है, उसकी बेटी चली गई है, उसकी बेटी अगवा हो गई है, उसकी बेटी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तुम्हारी बाकी बेटियों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन वो शख्स खड़ा रहा, और मैं कहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान मेहदी अली काजमी साहब आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपने ना टूटना है, ना आपने रोना है, ना आपने बिखरना है, क्योंकि आप तो बाकी बाप, जितने भी बाप हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लोग जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। तो हम सब जो हैं आपको हैप्पी फादर्स डे बोलते हैं, हर उस बच्चे की तरफ से जो आपसे प्यार करता है, जो इस केस के बाद आपसे बेहद मोहब्बत करता है, और आपने बताया है कि माँ बाप से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए, कितनी इज्जत करनी चाहिए। और मैं ये बात बोलूँगी कि चाहे उनकी बेटी से ही सब कुछ करवाया जा रहा है, चाहे उनकी बेटी से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, लेकिन एक बार दुआ ज़ारा साहिबा आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए अपने बाप की रोती हुई, ताकि आप जो नई वीडियो बनाएंगे या अपने नया चैनल बनाएंगे उस पर आपने विक्ट्री का निशान लगाना है। साथ मेहदी अली काजमी की इस वीडियो में से एक तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेकर लगाइएगा और कहिएगा कि मैंने इस बाप को, जिसने मुझे पैदा किया, 14 साल मोहब्बत दी, मैंने इसको गिरा दिया, मैंने इसको शिकस्त दे दी, और मुझसे बड़ी बहादुर इंसान, मुझसे बड़ी अच्छी इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।